हेलो साथियों, तैयार हो जाइए हमारे साथ अप टू डेट होने के लिए। स्वागत है आपका ट्रेंडस्टर की एक और वीडियो में, जहां आज फिर हम जानेंगे ट्विटर का ट्रेंड और हैशटैग का रीज़न। ट्विटर पर पहली पोस्ट Xiaomi की ओर से, हैशटैग पोको F3GT, जो पोको द्वारा 23 जुलाई 2021 यानी कि आज के दिन लॉन्च किया जाने वाला एक स्मार्टफोन है। ब्लैक और सिल्वर कलर में लॉन्च किया जा रहा है। इस फ़ोन की कीमत 26,999 बताई गई है। इसी के लिए अगली हैशटैग स्विच इट अप ट्रेंड में। इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को इसका प्लस पॉइंट माना जाता है। पॉलिटिक्स और देशभक्ति से आज ट्रेंड में हैशटैग चंद्रशेखर आज़ाद। 23 जुलाई 1906 को देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, जिसके कारण भारत आज उनकी जयंती मना रहा है। अब तक 47 के ट्वीट के साथ यह पोस्ट ट्रेंड में है। इनके साथ साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ब्याज बर्थ एनिवर्सरी है, जिसके कारण वो भी लगातार ट्विटर के ट्रेंड में बने हुए हैं। अगली पोस्ट है बॉलीवुड की दुनिया से, हैशटैग कैप्टन इंडिया, जो कार्तिक आर्यन की एक रेस्क्यू मिशन पर आधारित मूवी है। यह अपने पहले लुक के कारण आज ट्रेंड में है। हंसल मेहता इस ट्रू इंसिडेंट बेस्ड मूवी का निर्देशन कर रहे हैं। मनोरंजन की दुनिया से, हैशटैग परमिशन टू डांस फोर्थ विन 121 के ट्वीट के साथ ट्रेंड में है। BTS आर्मी ने इस वीक चौथी जीत लगातार हासिल की। 2021 में म्यूजिक बैंक में सर्वाधिक स्कोर करने वाला ग्रुप BTS आर्मी है। अगली पोस्ट 22 के ट्वीट के साथ गुरु पूर्णिमा ट्रेंड में है। 23 और 24 जुलाई को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा का त्यौहार। गुरु के गुणों का वर्णन करते हुए लोगों को लगातार ट्वीट पर रिट्वीट करते देखा जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा श्रीलंका के खिलाफ खेला जा रहा थर्ड ODI भी आज ट्रेंड में है, जिसमें हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है। आप भी इस मैच को हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं। ओलंपिक को देखते हुए अगली पोस्ट है हैशटैग गर्व है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक के लिए अडानी ग्रुप को एज ए रेस्पॉन्सर अनाउंस किया है। और खेल की दुनिया में 113 के ट्वीट के साथ टॉप ट्रेंड में है हैशटैग ओलंपिक। आज टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी चल रही है, जिसमें भारत ने 119 खिलाड़ियों के साथ 228 सदस्यों का दल भेजा है। साथियों, आपने वर्ल्ड कप 2007 के बाद महेंद्र सिंह धोनी को मैच जीतने के बाद अपने स्टंप को उखाड़ते देखा होगा, पर सवाल यह है कि माही आखिर ऐसा करते क्यों हैं। जब उनसे इसका जवाब मांगा गया, उन्होंने कहा, मैं अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं देखता कि मैंने कौन सा स्टंप किस मैच में खड़ा है। रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी वीडियो खुद देखकर सोचूंगा कि मैंने अपना यह स्टंप किस मैच में खड़ा था। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।